हेलो स्टूडेंट्स, आई मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास टेंथ आर एस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी आपको क्वेश्चन में कॉसेक थीटा की वैल्यू दी गई है रूट 10, हम इसे डिवाइड में 1 के मान के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसके इक्वल होता है। सो हमारा ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। यानी आपका जो साइन होता है जस्ट उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो अगर साइन पी अपॉन एच है सो आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आपको सबसे पहले तो एक फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर ड्रॉ करके आप यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे बाकी जो मिसिंग रेशियो है उसे। तो ए बी सी आप यहाँ पर रखेंगे इस ट्रायंगल का नाम, और अगर ये 90 डिग्री है सो इसके सामने वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूस होगी। हमें थीटा के लिए रेशियोज फाइंड करने हैं, तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड होगी बेस। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू रखें तो ये आपका 1k है, क्योंकि अगर आप इसे 10k अपॉन के रख के सॉल्व करेंगे सो आप रेशियो रख के सॉल्व करेंगे तभी आपका सही रहेगा। बिकॉज क्योंकि ये जो रेशियोज होते हैं वैरी करते रहते हैं, इसलिए आपको के मान के रखना होता है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 10 इंटू के। अब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी हुई है रूट 10 और के इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर की वैल्यू हो गई के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 10 हटेगा तो 10 आ जाएगा, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पी स्क्वायर। सो 10 के स्क्वायर में से माइनस 1 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और 9 क्या होता है आपका 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 के का अगर मैं होल स्क्वायर कर देती हूँ सो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। और इधर आपको जब स्क्वायर लाएंगे सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर। सो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपकी 3k। आपकी ये वैल्यूज आ चुकी हैं 3k, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमें बाकी रेशियोज फाइंड करने हैं सो सीधा सीधा रख के फाइंड कर लेते हैं। सो ऑल टी देयर फोर ऑल टी रेशियोज आर क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्वेश्चन में है 3k, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 10k, के सी के कैंसिल हो गया तो 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 आ गया। ऐसे ही आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आपका k दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है आपका अंडर रूट ऑफ 10 इंटू के। के सी के कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन रूट 10 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3k और बेस की वैल्यू है आपकी k, कैसे k कैंसिल हो गया तो आपका ये आ गया 3। ऐसे ही आपका क्या होगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन में 1। कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा 1 अपॉन रूट 10 है तो ये भी आपका हो जाएगा रूट 10 अपॉन में 1। सेम वैल्यूज आ रही है। और अब जो आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3, क्योंकि आपका 3 जो है वो अगर टेन थीटा तो उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।